गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम लोग फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर समाप्त कर चुके थे। आज लेक्चर नंबर 2 है जो इस चैप्टर का समाप्ति की ओर होगी। सो फ्रेंड्स, सभी लोग का आरके स्टडी 2.0 में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स की आज लेक्चर नंबर 2 फंक्शन का, आज जिसमें हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे। हम लोग मान निकालना सीखे थे फर्स्ट लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, आज सिद्ध करना सीखेंगे कि कैसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है। सो उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन है और आज समाप्त हो जाएंगे जो बहुत ही जी हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं। तो सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्पोर्टेंट लगाते हुए चलेंगे क्वेश्चन की ओर। सो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो लिखेंगे कि फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 - x/1 + x, तो ठीक है, प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि आपका फंक्शन डबल फंक्शन है, ठीक है, डबल फंक्शन कॉस थीटा दिया है, इक्वल टू सिद्ध भी करना है कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका डबल फंक्शन दिया है जिसका हमको सिद्ध करना है कॉस थीटा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्यूशन की चलेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आपका सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख लेंगे कि एफ एक्स दिया है, ये दिया है आपका इक्वल टू 1 - x/1 + x, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें फंक्शन आप पहले ले लेंगे कॉस थीटा को, यानी आपका x का वैल्यू जो होगा, एफ एक्स जो होगा, ठीक है, वो x की जगह पे कॉस थीटा लिख सकते हैं, x इक्वल टू कॉस थीटा, सबसे पहले ये लेंगे, ठीक है। फिर डबल बार फंक्शन लेना है तो डबल बार लेंगे, सबसे पहले 1 बार लेते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, समीकरण नंबर 1 में x इक्वल टू कॉस थीटा मान रखने पे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ एफ एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1 - cos θ / 1 + cos θ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसको हम लोग और दूसरे रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे फंक्शन का, ये आपका फंक्शन एफ है, ठीक है, तो ये आपका फंक्शन का क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin²θ / 2 cos²θ / 2, ठीक है। और इसको अगर हम लोग एक और लिखना चाहें तो फंक्शन आप क्या लिख सकते हैं, यह हमारा आ जाएगा 10²θ / 2, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक बार तो मैंने कर दिया फंक्शन आप x रख के, फिर यहाँ से हम लोग फंक्शन आप एक और निकल गया, तो नहीं लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, क्योंकि दो बार करेंगे तब तो हमारा cos थीटा आना चाहिए। एक बार किए थे तो मेरा अभी f 10²θ / 2 आया है। सो फ्रेंड्स, एक बार अब हम लोग करेंगे कि x स्थान पर, ठीक है, 10²θ / 2 रखने पर, क्योंकि यहाँ डबल बार दिया है फंक्शन, अब 2 बार दिया है, ठीक है। सो यहाँ हम लोग एक बार और रखेंगे, क्योंकि एक बार cos थीटा रखे तो ये मान आ गया, फिर एक बार रख के देखते हैं फिर क्या आता है, ठीक है। अगर cos थीटा आ गया तो सही होगा, तो हमारा फंक्शन आप f लिख सकते हैं, फंक्शन 10²θ / 2 इक्वल टू समीकरण नंबर 1 पे ही रखेंगे, समीकरण 2 से x में ना रखने पे, इक्वेशन नंबर किस पे, फर्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पे जब रखेंगे तो आपका हो जाएगा 1 - tan²θ / 2 1 + tan²θ / 2। सो फ्रेंड्स, इसको हम लोग पढ़े हैं कि इसके बराबर होता है cos थीटा, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन आप था cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू आपका यहाँ पे LHS ले सकते थे। सो आपका जो फंक्शन आप डबल फंक्शन आप cos थीटा था, वो हमारा cos थीटा में आ गया, तो हमारा कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू, सॉरी देखिएगा, यहाँ डबल फंक्शन हो गया, ठीक है। सो ये आपका cos थीटा आ गया, तो डबल फंक्शन cos थीटा इक्वल टू cos थीटा आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया प्रूफ करने वाला, ठीक है। इसी टाइप के और सवाल हैं और हम लोग देखते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अगला सवाल देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 12 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इसमें है कि फंक्शन आप दिया है कि एफ एक्स, ठीक है, ये आप ध्यान से देखिएगा कि एफ एक्स दिया है कि 2x - 3 / 2x +
थ्री, ठीक है। तो इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, इसमें प्रूफ करना है कि डबल नहीं फंक्शन एक्स और फंक्शन माइनस एक्स इक्वल टू वन होगा, ये हमको दिखाना है। देख पा रहे हैं लिखा है कि फंक्शन यक्स बराबर इतना दिया है, ठीक है, टू एक्स माइनस थ्री बट्टे टू एक्स प्लस थ्री, प्रूफ दैट करना है, प्रूफ करना सिद्ध करना है कि एफ एक्स डॉट यहाँ पे मान लीजिए इनटू का है एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू वन है, ठीक है। तो हम लोग पहले तो एफ एक्स तो आपका दिया है, सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, कि एफ एक्स इक्वल टू दिया है टू एक्स माइनस थ्री अपान टू एक्स प्लस थ्री, ये समीकरण नंबर वन ले लेंगे। तो हमारा एफ अगर माइनस एक्स हो तो हम लोग इसमें सब में माइनस कर देंगे। सो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस थ्री अपान टू माइनस एक्स प्लस थ्री, यही होगा। इसको हल करने पे क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपान माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, यही आपका आएगा। सो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, हमारा जो सवाल दिया है उसमें हम लोग हल करेंगे। सो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे LHS ले लेंगे, LHS तो हमारा है फंक्शन x, ठीक है, फंक्शन x दिया है इनटू f माइनस x, ठीक है, इसको लेके चलेंगे। तो इसके स्थान पे ये रखते हैं समीकरण नंबर वन, ये समीकरण नंबर टू लिख लेंगे। तो समीकरण नंबर वन एंड टू को LHS साइड में, ठीक है, रखने पर, समझ पा रहे हैं, इस साइड में यहाँ पे रख रहे हैं, वन आ गया तो हमारा सवाल क्या है सही हो गया, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स दिया है टू एक्स माइनस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस थ्री, इक्वल टू में हो गया, इनटू है तो इनटू लगा देंगे, और ये है टू एक्स माइनस थ्री अपॉन माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, इनटू में है, माइनस बाहर कम कर सकते हैं, तो हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री अपान, इसे यदि माइनस में ले लिए तो हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये टू एक्स प्लस थ्री, ये आपका इससे कैंसिल, ये आपका क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो आपका क्या आ गया वन, यानी आपका प्रूफ हो गया LHS था, LHS लेके चले थे, ठीक है, यहाँ पे, और हमारा आ गया RHS, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये प्रूफ हो गया, समझ पाए होंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था जो प्रूफ करने वाला है, ठीक है। इसी टाइप के और क्वेश्चंस हैं, सो हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर थ्री चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखिएगा आप लोग, थ्री डाल सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लॉग वन माइनस एक्स बट्टे वन प्लस एक्स, ठीक है। सो और लिखा है कि एफ वाई तब, ठीक है, एफ वाई तब एफ एक्स प्लस एफ वाई का मान होगा। सो फ्रेंड्स हम लोग सोल्यूशन में देखेंगे सबसे पहले। सो आपका सोल्यूशन जो है वो दिया, अब पहले तो अपना सवाल देखेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग दिया है वन माइनस एक्स बट्टे वन प्लस एक्स, ये आपका सवाल में दिया है। सो कह रहा है कि एफ वाई निकालिए, ठीक है, एफ वाई जब में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये समीकरण नंबर वन ले लेते हैं, तो एफ वाई आपका क्या हो जाएगा, दिया नहीं है फ्रेंड्स तो हम लोग अपने से करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग वन माइनस वाई, एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा वन प्लस वाई, ठीक है, ये समीकरण नंबर टू में। तो जो हम लोग को प्रूफ करना है एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसको लेके चलेंगे, लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, ठीक है, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे कि एफ एक्स प्लस एफ वाई, अब यहाँ से इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। तो एफ एक्स का मान क्या दिया है लॉग, ठीक है, दिया है आपका लॉग वन माइनस एक्स बट्टे वन प्लस एक्स दिया है, ठीक है, प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है। एफ वाई क्या दिया है लॉग वन माइनस वाई बट्टे वन प्लस वाई दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, लॉग है तो लॉग को एक तरफ किया जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, वन माइनस एक्स बट्टे वन प्लस एक्स प्लस में है तो इसको इनटू में कर सकते हैं, वन माइनस वाई बट्टे वन प्लस वाई ये कर सकते हैं,
अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो मल्टीप्लाई आने वाला है वो आएगा वन माइनस, ठीक है, वन माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स वाई अपान आपका आ जाएगा वन प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है, आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आपका मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा लॉग, इसको लिख सकते हैं हम लोग वन एक्स प्लस वाई अपान वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा वन प्लस एक्स प्लस वाई बट्टे वन प्लस एक्स वाई। हमने यहाँ एक्स वाई से वन प्लस एक्स वाई से भाग दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि वन प्लस एक्स वाई से भाग देने पे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, भाग दिया है। तो आपका जो फंक्शन आने वाला है वो आ जाएगा एक्स प्लस वाई बट्टे वन प्लस एक्स वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको हल करना है, सिंपल से फिर से बता दे रहे हैं, एफ एक्स दिया है लॉग एक्स वन माइनस एक्स बट्टे वन प्लस एक्स। ठीक है, और एफ वाई आपको खुद से निकालना है, तब फिर आप लोग ये जो सवाल दिया है, ठीक है, इस पे आप लोग हल करेंगे। एफ एक्स प्लस एफ वाई का मान होगा, मतलब मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सेमीकोलन इसको वन माना, ठीक है, और जब वाई फिर मैं चेंज किया तो सेकेंड मान लिया। ठीक है, सेकेंड मानने के बाद जो दिया है प्रश्नानुसार, इसीलिए लिख दिया मैंने कि प्रश्नानुसार जो दिया है उस हिसाब से इसे मान रखा और उसको सोल्यूशन करना है। आप अपने से खुद से सोल्यूशन करेंगे, जो आपका मान होगा वही आंसर होगा। ठीक है, जो आप अपने से सोल्यूशन करेंगे जो आपका होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तरीका पता हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको जब तरीका पता हो जाएगा तो आप क्या कर लेंगे, सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर दिया है कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एफ सेक थीटा का मान होगा। ठीक है, फंक्शन आप एक्स दिया है एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस वन और एफ एक्स सेक थीटा दिया है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि हमारा जो एक्स का वैल्यू दे दिया है वो क्या है, सेक थीटा, मतलब एक्स के स्थान पे हम लोग सेक थीटा रख सकते हैं। ठीक है, और सेक थीटा रख के हम लोग उस पर कार्य करेंगे। तो सबसे पहले दिया है जो वो लिख लेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये लिख लेंगे समीकरण नंबर वन। ठीक है, तो लिखेंगे कि समीकरण नंबर वन से एक्स इक्वल टू सेक थीटा रखने पर, सो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो एफ सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बट्टे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माने कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन अपन कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे वन अपन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हैं, अपन कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये काट सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वन अपन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोशेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका एफ शेक थीटा इक्वल टू आ गया ओ आ गया कोशेक स्क्वायर थीटा, ये आपका सिंपल सा था जो आपको, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसी प्रकार से आपको और अधिक सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप लोग करते रहिएगा, आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में, और जो अगला चैप्टर होगा मैं बता दे रहा हूँ, अगला जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला है वो लिमिट का होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं लिमिट में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और लास्ट तक पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।